ये 1000 मीटर के अंदर, लेकिन वहाँ जाने का ये बोला जा रहा है कि भाई इत्तेफाक से नहीं मिल सकी जो है होटल ले मिल सकी फला, इसको कुछ एक्शन लिए क्या? जो कानून आया है हिजियो, जो भी तेलंगाना और सारे हिंदुस्तान के टूर ऑपरेटर्स के लिए जो टैक्स का है, जो GST भरना है 5% और TCS 5%, 7 लाख रुपए तक, और 7 लाख रुपए से ऊपर का जिसका भी पैकेज रहेगा उसको 20% TCS भरना होगा। और ये 20% जो TCS है वो हिजियो टूर उसको हाजी को वापस मिल जाएंगे 20%, जो भी TCS उन्हों देंगे TDS के शक्ल में उनको ये टैक्स वापस मिलेगा। दूसरा ये है कि इस साल मीना में भी बहुत सारे चेंजेस सऊदी गवर्नमेंट की है, उसके अंदर वो लोग जोन वाइज बना डाले हैं, अभी 1 से लेकर 5 जोन तक वो लोग इस वक्त कैटेगरी में बनाए हैं, 1 से लेकर 4 तक ओल्ड मीना, जो 1400 साल पहले जो मीना ओल्ड मीना जो कायम किया था वो, और Zone 5 जो है वो न्यू मीना जो एक्सटेंशन मीना है उसमें उस जगह मिलेंगी लोगों को। और कैटेगरी वाइज भी है, ए से लेकर डी तक कैटेगरी है, ए बी सी डी, उसके लिए आपको सर्विसेज मिलेंगी हाजी को। जी अल्हम्दुलिल्लाह टीम किया गया है, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5। Zone 1 से लेके 4 तक ओल्ड मीना है, Zone 5 जो है वो एक्सटेंशन मीना है, न्यू मीना जो मुजदलफा कहलाता उसको मीना के तौर पे यूज किया जाता। और इसमें सर्विसेज जो इन लोग 4 सर्विसेज दे रहे हैं, Category 1, Category 2, Category 3, हर जोन में वो सर्विसेज अवेलेबल है, ले सकते। रही बात अब जो मीना के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट है, ये अब अगर वन अगर जोन लेना है तो ऑलरेडी तकरीबन अब तक जो है ना वो लेने का टाइम खत्म हो चुका, हमारा इंडियन एशियन जो लोग जा रहे हैं ये टाइम अब वो जोन अवेलेबल नहीं है, अब Zone 2 अवेलेबल है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट है। जो पहले पोर्टल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा के लाइसेंस इश्यू होने के बाद में वहां पर जाके साइट के ऊपर वो हमको जगह परचेस करना है, Zone 2 की या Zone 1 की परचेस करके सर्विस परचेस करना, वो पूरा अमाउंट हम वहां पर पोर्टल पे हमारा जो ई हज अकाउंट है उस पर रकम डालना, जो उनका प्रेजेंटली एक Zone 1 का जो कॉस्ट है 11,000 रियाल, 11,000 रियाल में हम जगह भी लेना है और मौलिम को भी सिलेक्ट करना है। पहले ये सिस्टम नहीं था, इस बार नया सिस्टम इन लोगों ने निकाले हैं। तो जून की जगह परचेस करना, सर्विस की जगह परचेस करना, कौन सा सर्विस लेना चाह रहे हैं आप, Category 1 की सर्विस लेना, सर्विस लेना जून कौन सा लेना चाह रहे हैं, Zone 1 के साथ साथ रेड येलो पिंक जून इस तरीके से लोग वो रेड कलर भी दिए हैं। अब Zone 1 तो एक्चुअल है लेने का, वो कलर वहां जाने के बाद एशियन कंट्रीज को सबको उसमें इंक्लूड करें, उन लोग हर आदमी वो जून ले सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जून के कलर के हिसाब से, लेकिन Zone 1 अन्यथा लेना है। ऐसे एजेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम आपको हज करा देंगे, नामुमकिन है, कोटा जो एजेंट को दिया गया है वही हज करा सकता, दूसरा जना हज नहीं करा सकता, जिसको कोटा नहीं मिला है आप उनसे जरा होशियार रहेंगे, उसके अंदर जो है आपकी रकम भी जाएगी और आपका जो है साल भी जाया हो जाएगा। आप मेहरबानी करके तमाम भाजियों से गुजारिश है जल्द से जल्द जो रजिस्टर्स PTO है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट दी गई है इसके अंदर, इस प्रेस रिलीज के अंदर, और जो है ना हमारी भी वेबसाइट है तेलंगाना AP के जितने रजिस्टर्स टूर ऑपरेटर है इसके अंदर पूरे उनका नाम टेलीफोन नंबर सब मौजूद है, आप उनसे रब पैदा कर सकते हैं। और जो है आप कुछ भी डाउट है ऑल ओवर इंडिया की लिस्ट MinistryMinistry की वेबसाइट है उस पर भी मौजूद है, उससे भी आप लोग जो है ना तफसीलात मालूम कर सकते हैं ये एजेंट सही है या नहीं है। और कोई लोग जिसको कोठा नहीं मिला है, सब एजेंट है जो आपको लाली दे रहे हैं कि उन लोग जो है ना हम करा देंगे, हम बॉम्बे के एजेंट से कराएंगे, आपके पैसे जाएंगे, और कोई भी अगर ऐसा करने वाला वो सेलर है ब्लैक लिस्ट हो जाएगा उस मामले में। और उस पर हाजियों से गुजारिश है जल्द से जल्द अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए और कोठा वाइज जो जोन वाइज है उसके लिए जगह मुकर्रर कीजिए। लोग डी का अगर लेंगे बाद में जो है ना, डी तो ऑलरेडी जो है ना Zone 5 बहुत दूर है, वो मुजदलफा में है, फर्स्ट Zone 1, Zone 2, Zone 3 ये बेस्ट है मीना के लिए, जमरात के बिल्कुल नजदीक है, खालिद कुबरी के नीचे आता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन तेलंगाना एन एपी की तरफ से बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल रजाक खमर। अल्हम्दुलिल्लाह 29 तारीख के दिन मिनिस्ट्री वैनिटी अफेयर्स ने तमाम ऑल ओवर इंडिया के हजी उसका कोटा अलाट किया गया है। टोटल जो कोटा अलाट हुआ है इस बार जो है ना, तो कोटा अलाट किया गया कैटेगरी वन के अंदर 18 पीटीओस है, 1833 का कोटा है, कैटेगरी टू को 1052 का कोटा है, 1052। और टोटल जो है ना तेलंगाना को जो कोटा मिला है 2885, आंध्रा को एक कैटेगरी वन को 102 का कोटा मिला है, और दूसरा जो है ना 605 का कोटा, टोटल 707 का कोटा मिला है। और तमाम जो है ना ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी जो एनजीओस का कोटा अलॉट किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है। और जो है ना यहाँ पर जो तेलंगाना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टोटल तेलंगाना का आंध्रा का कोटा मिलाकर जो है ना तकरीबन जो है ना 3592 का कोटा अलॉट हुआ है। और इस बार जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा टूर ऑपरेटर्स को जो है ना आंध्रा और तेलंगाना में कोटा मिला है। कुछ चंद पीटीओज है जो कैटेगरी वन के अंदर, तेलंगाना के अंदर 3 पीटीओज है और आंध्रा के अंदर 1 पीटीओज है, और कैटेगरी टू वन के अंदर 3 और कैटेगरी टू के अंदर 6, और दूसरे जो है ना एक आंध्रा के अंदर कैटेगरी टू का 1 पीटीओ है, इन लोगों को कोटा नहीं मिला है। टोटल ओवरऑल जो है ना एक 9 है, 9 पीटीओ 10 पीटीओ को कोटा नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह जितने डाले थे पूरे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कोटा मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स ने इस बार अल्हम्दुलिल्लाह कोटा दे चुकी है। और अब यही रिक्वेस्ट है हाजियों से कि इस बार जो है ना कुछ नया सिस्टम आया है, हुआ तफसीलात मिस्टर सिराज खान बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सेक्रेटरी हज।